हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले सरफेसेस कमांड्स। सरफेसेस जो रहता है वो पार्ट डिजाइनिंग जैसा ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर पार्ट बना रहेगा तो सरफेसेस के कमांड ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ये एरोस्पेस या फिर एरोप्लेन डिजाइन, एरोप्लेन का आउटर बॉडी रहेगा या फिर मोटर का, ऑटोमोबाइल का आउटर बॉडी जो रहता है, या फिर कोई भी आउटर बॉडी के पार्ट्स जो रहते हैं वो अगर डिजाइन करने तो ज्यादातर सरफेसेस में बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप वगैरह हम बना सकते हैं, जितना पार्ट डिजाइनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी हमको नहीं मिलता है। अगर सरफेसेस का टैप यहाँ पर ऐड करना है तो किसी भी टैब पर राइट क्लिक किया, अगर सरफेसेस का टैब नहीं दिख रहा है तो किसी भी यहाँ पर कमांड मैनेजर के टैब पर राइट क्लिक किया और यहाँ से सरफेसेस का टैब यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। कोई टैब अगर नहीं दिख रहा है तो वो यहाँ से ऐड किया जा सकता है। यूनिट कौन सा चाहिए वो यहाँ से स्टेटस बार से हम सेट कर सकते हैं। अभी MMGS से तो मिलीमीटर में पार्ट तैयार होता जाएगा। यहाँ पर पहले तीनों प्लेन राइट क्लिक किया और यहाँ पर शो ऑप्शन दिया, मतलब कम थिकनेस के जो पार्ट्स रहते हैं वो, या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वगैरह पार्ट रहते हैं वो सरफेसेस में ज्यादातर बनाए जाते हैं, या फिर टीवी का आउटर शेप वगैरह रहेगा वो भी सरफेसेस में बनाया जा सकता है। यहाँ पर समझो ये ज्यादातर पार्ट डिजाइनिंग के कमांड जैसे ही है, एक्सट्रूड रिवॉल्व शेप वगैरह सब पार्ट डिजाइनिंग जैसा कमांड ही है। यहाँ पर पहला एक्सट्रूड सरफेस देखते हैं। एक्सट्रूड सरफेस लिया, सिलेक्ट ए प्लेन ऑन विच टू क्रिएट ए स्केच फॉर द एंटिटी। समझो यहाँ पर ये फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर कुछ स्केच वगैरह बना लिया, और ये एक्सट्रूड किया जा सकता है। कितने से एक्सट्रूड करना है वो डेप्थ वगैरह यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ये भी एक साइड से क्लोज करना है, यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन दिया तो ये सरफेसेस का पार्ट तैयार होता है। इसका थिकनेस जीरो रहता है। ये भी एक साइड से क्लोज करना है तो यहाँ पर कैप एंड ऑप्शन दिया, कैप एंड ऑप्शन ऑन रखा तो एक साइड से वो क्लोज हो जाएगा। दूसरे साइड से भी क्लोज करना है तो यहाँ पर डायरेक्शन टू सिलेक्ट किया, डायरेक्शन टू सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी कैप एंड ऑप्शन दिया तो दूसरे साइड से भी वो क्लोज हो जाता है। यहाँ पर कैप एंड ऑप्शन ऑन रखा तो दूसरे साइड से भी वो क्लोज हो जाएगा, कैप एंड ऑप्शन ऑफ रखा, प्रीव्यू लिया तो यहाँ पर सरफेस तैयार किया जा सकता है। इसमें भी कुछ ऑप्शंस है, समझो यहाँ पर ये स्केच सिलेक्ट किया, स्पेस बार देखिए नॉर्मल किया, यहाँ पर एक स्प्लाइन वगैरह बना लिया, यहाँ पर एक्सट्रूड किया तो दोनों सरफेस एक्सट्रूड होते हैं। अगर सिर्फ एक ही पोर्शन ऐड एक्सट्रूड करना है तो सिलेक्टेड कॉन्ट्रास्ट में गए, यहाँ पर हमको बीच का एरिया हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो बीच का ही एरिया हम सिर्फ एक्सट्रूड हो जाएगा। तो कौन सा एरिया एक्सट्रूड करना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसा एक्सट्रूड किया जा सकता है, मतलब उसको हाइट वगैरह दी जा सकती है। अगला आता है रिवॉल्व का, कोई शाफ्ट वगैरह बनाना है या फिर बॉटल का शेप वगैरह बनाना है तो रिवॉल्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया तो नया पार्ट यहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन कर लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन लिया, यहाँ पर रिवॉल्व सरफेस लिया, यहाँ पर फ्रंट प्लेन लिया, यहाँ पर सेंटर लाइन वगैरह बना लिया, शेप वगैरह बना लिया, यहाँ पर कुछ भी ओपन स्केच यहाँ पर बना दिया, बाद में ये समझो, ये इधर तक क्लोज कर दिया,
ये ज्वाइंट नहीं किया और इसको रिवॉल्व किया, तो ये सर्कुलर शेप यहाँ पर बनाया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री में रिवॉल्व होता है, सिर्फ 180 डिग्री में रिवॉल्व करना है तो वैसा किया जा सकता है। एक साइड में ही रिवॉल्व होगा, दूसरे साइड में दूसरा डेप दूसरा रिवॉल्यूशन यहाँ पर दिया जा सकता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री में रिवॉल्व हो जाएगा। वैसा सर्कुलर शेप यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये भी स्टार्ट टू एंड क्लोज था इसके लिए, वो क्लोज हो गया है, लेकिन जब भी हम इसका सेक्शन व्यू देखते हैं तभी ये अंदर से हॉलो रहता है, ये अंदर से हॉलो रहेगा, यहाँ पर इधर इसका थिकनेस जीरो रहेगा। अगला आता है स्वीप कमांड। पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है तो स्वीप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल जो लिया, यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन कर लिया, राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन दिया, यहाँ पर कुछ स्केच वगैरह बना लिया, यहाँ पर प्रिंट लिया, यहाँ पर प्रिंट पाथ वगैरह कुछ नहीं यहाँ पर ये राइट प्लेन पर और एक सर्कल बना लिया, अभी ये सर्कल इस पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करके जाना है तो यहाँ पर सरफेस में स्वीप लिया जा सकता है। स्वीप कमांड है ये, कमांड मैनेजर का विंडो अगर नीचे आया हुआ है ऐसा लगता है तो ये ड्रैग करके इधर सेट किया जा सकता है, तो स्वीप सरफेस का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहला पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोफाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोफाइल के लिए प्रोफाइल लिया और पाथ के लिए ये पाथ लिया, तो इस पाथ के अनुसार वो मटेरियल ऐड करते जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन तो वैसा पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाएगा, इसका भी थिकनेस जरूर रहता है। अगला आता है लॉफ्ट, दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना है तो लॉफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर लॉफ्टेड सरफेस लिया, यहाँ पर पहला प्लेन वगैरह बना लिया, सरफेसेस में ये कमांड मैनेजर का विंडो बाहर आया हुआ है तो कमांड मैनेजर सिलेक्ट किया और ड्रैग करके इधर एरो तक लाके रखा है तो कमांड मैनेजर वापस अपनी जगह पर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में यहाँ पर प्लेन कमांड लिया, अभी ये टॉप प्लेन से कुछ दूरी पर प्लेन वगैरह बना लिया, यहाँ पर एक एलिप्स वगैरह बना लिया, प्लेन वन पर एक एलिप्स बना लिया, रेक्टेंगुलर स्लॉट वगैरह बना, स्ट्रेट स्लॉट वगैरह बना दिया, स्लॉट बना है बाद में यहाँ पर टॉप प्लेन सेलेक्ट किया,
पर नॉर्मल सेंटर पॉइंट स्टॉप चाहिए तो बना सकते हैं। यहाँ पर एक स्टॉप इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ पर सरफेसेस में लॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ये प्रोफाइल है और बाद में ये प्रोफाइल है, तो इनके बीच में यहाँ पर मटेरियल ऐड किया जा सकता है। तो दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना है तो लॉक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट वगैरह बनाया जा सकता है, या फिर दूसरा कोई भी एक पार्ट बना लो यहाँ पर। तो मतलब दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना है तो लॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला होता है जैसा लॉफ्ट है वैसे बाउंड्री सरफेस है। दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना तो बाउंड्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाउंड्री स्केच का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर ऑब्जेक्ट का एज वगैरह भी लिया जा सकता है। यहाँ पर फ्रंट, यहाँ पर प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर स्केच बटन पर, यहाँ पर टॉप प्लेन लिया, यहाँ पर टॉप प्लेन लिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल वगैरह बना, सेंटर रेक्टेंगल लिया, और यहाँ पर एक सर्कल वगैरह बना, बड़ा सर्कल बना, और यहाँ पर एक छोटा सर्कल बना, जो नहीं चाहिए वो ट्रिम कर लिया। इसको एक्सट्रूड किया, यहाँ पर सरफेस में भी यहाँ पर इसको एक्सट्रूड किया, लाइन ऑप्शन देख कर 20-30 वगैरह से। यहाँ पर ये भी ये अगर स्मूथ, यहाँ पर ये क्लोज करना है तो 3D स्केच से यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्केच वगैरह बनाना है तो यहाँ पर एक तो प्लेन लगेगा या फिर फ्लैट सरफेस लगेगा। फ्लैट सरफेस तो है नहीं, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली स्केच बनाना है तो 3D स्केच का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर स्केच में गए, यहाँ पर 3D स्केच ऑप्शन दिया और यहाँ पर एक लाइन बना के रखा, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट, ये पॉइंट इसको मर्ज करना है तो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये इस सिलेक्ट किया, स्ट्रेट लाइन में तैयार हो, यहाँ
लाइन कमांड है, ये कौन ये कौन अभी ये जेड एक्स प्लेन पर बनाना है तो टैब प्रेस किया। और ये पॉइंट किया और ये पॉइंट तो 3D स्केच या तो प्लेन का जरूरत नहीं पड़ता। अभी इनको बाउंड्री से ज्वाइन करना है तो वैसे ज्वाइन किया जा सकता है। यहाँ पर बाउंड्री सरफेस है, ये एज सिलेक्ट किया और बाद में ये एज सिलेक्ट किया, इनके बीच में मटेरियल यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। ये सीधा लाइन में जोड़ा गया है। इसको यहाँ पर पहला बाउंड्री के पहले यहाँ पर एक सरफेस वगैरह फिलेट वगैरह दिया जा सकता है। फिलेट पहले ही देख रखा, यहाँ पर सरफेस बनाने पहले से ही सरफेस फिलेट देखे रखा सकते हैं। फिलेट कमांड है, यहाँ पर पीस का फिलेट बना देखे रखा, पीस पीस जो भी है, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया। डायरेक्टली स्केच बनाना है तो स्केच में से यहाँ पर लाइन कमांड है, ये प्लेन चेंज करना है, ये कौन सा टॉप प्लेन कौन सा है, जेड एक्स प्लेन पर है। अगर प्लेन चेंज करना है तो टैब का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी कौन सा प्लेन चल रहा है, वाई जेड प्लेन चल रहा है, वापस प्रेस किया, टैब प्रेस किया तो जेड एक्स प्लेन पर हम ड्राइंग बना सकते हैं। ये पॉइंट लिया और बाद में ये पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये पॉइंट लिया, ये तो यहाँ पर ये जोड़ा जा सकता है। सिलेक्ट बटन पर क्लिक किया तो ये जोड़ा जा सकता है, ये ब्लैक कलर में मतलब फुली डिफाइंड है, यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए, तो यहाँ पर सरफेसेस में गए और यहाँ पर बाउंड्री सरफेस में ये इस सिलेक्ट किया और बाद में ये इस सिलेक्ट किया, तो ये यहाँ पर बाउंड्री सरफेस से दो स्केच के बीच में हम मटेरियल ऐड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एक 3D स्केच बना लिया, यहाँ पर लॉक से भी जोड़ा जा सकता है, लॉक से भी जोड़ा जा सकता है, ये गाइड कर्व से अगर जोड़ के दिखाना है तो वैसा भी किया जा सकता है। यहाँ पर स्केच में यहाँ पर और एक 3D स्केच से लाइन बनानी है, डायरेक्टली लाइन बनानी, अगर नहीं बन रही तो टैब प्रेस करके हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर ये 3D स्केच दिखना चाहिए ऐसा लगता है, तो ये 3D स्केच ऑन कर रहे हैं, 3D स्केच पर कर्सर लगे गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पर शो ऑप्शन दिया, तो ये लाइन दिखाई देती है।
अभी इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ पर सरफेसेस में बाउंड्री सरफेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरेक्शन वन के लिए बाउंड्री सरफेस से इसको जोड़ा जा सकता है, बाउंड्री सरफेस से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर डायरेक्शन वन में गए, ये लाइन सिलेक्ट किया और बाद में ये लाइन सिलेक्ट किया, और डायरेक्शन टू में यहाँ पर ये पाथ बना, ये पाथ सिलेक्ट किया और बाद में ये पाथ सिलेक्ट किया। हाँ अगला कमांड है बाउंड्री सर, बाउंड्री का दो लॉफ्ट जैसा ही दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना है तो बाउंड्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर बाउंड्री सरफेस लिया, यहाँ पर बाउंड्री सरफेस में यहाँ पर एक ये लाइन सिलेक्ट किया और बाद में ये दूसरा लाइन सिलेक्ट किया, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो दोनों सिलेक्ट करते वक्त एक ही साइड में सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये लाइन सिलेक्ट किया और बाद में ये इधर का लाइन सिलेक्ट किया, ये अभी जोड़ा जा रहा है। अभी इसको पाथ के अनुसार ये मटेरियल ऐड करना है तो डायरेक्शन टू में यहाँ पर ये स्केच का पाथ वगैरह लिया जा सकता है, इसमें एज भी चल जाता है बाउंड्री में। तो ये दो या दो से ज्यादा स्केच में हम मटेरियल हम ऐड करते जा सकते हैं, तो वैसा बाउंड्री से ये जोड़ा जा सकता है। अगला कमांड है फील्ड सरफेस का, फील्ड सरफेस भी बाउंड्री जैसा ही है, अगर कंटिन्यूअस एज रहेगा तो उनके बीच में हम मटेरियल ऐड करते जा सकते हैं। यहाँ पर फील्ड सरफेस लिया, यहाँ पर एजेस सिलेक्ट किया, ये बाउंड्री सरफेस टू का ये सिलेक्ट किया, बाद में ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो इनके बीच में मटेरियल ऐड किया जा सकता है। अगर कांस्टेंट कोर से यहाँ पर कर्वेचर वगैरह देना है नीचे से, अगर कुछ कर्वेचर वगैरह देना है तो कांस्टेंट कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो इनके बीच का मटेरियल यहाँ पर ऐड किया जाएगा या फिर सरफेस तैयार हो जाएगा। अगला है फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म क्या करता है कि शेप को अगर कैसे भी मोड़ना है तो फ्री फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा कर्वेचर वगैरह देना है तो वैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन कर लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन लिया, यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लिया, यहाँ पर टॉप प्लेन लिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल, ये अगर क्लोज करना है तो कैप एंड लिया जा सकता है, तो ये क्लोज हो जाएगा, तो ऊपर सरफेस यहाँ पर तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये सरफेस को थोड़ा अगर एक साइड में ऊपर लिफ्ट करना है तो यहाँ पर फ्री फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्री फॉर्म लिया, ये सरफेस सिलेक्ट किया तो इसको ऊपर लिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पर थ्रू पॉइंट्स लिया, यहाँ पर कंट्रोल कर्व्स के लिए कर्व्स वगैरह ऐड करना है तो कर्व्स यहाँ पर ऐड की जा सकती है, यहाँ पर ऐड कर्व्स ऑप्शन है, कहाँ पर ऐड करें,
ये अभी वर्टिकल में ऐड, हॉरिजॉन्टल में ऐड हो रही है, यहाँ पर फ्लिप डायरेक्शन है तो ये वर्टिकल में भी ऐड की जा सकती है। यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड पॉइंट्स ऑप्शन है, कहाँ पर पॉइंट ऐड करना है वैसा पॉइंट यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। अभी यहाँ पर कोई भी पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ड्रैग किया ऊपर की तरफ, ड्रैग ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसका ये पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसको थोड़ा सा कर्वेचर वगैरह दिया जा सकता है। बाद में ये पॉइंट लिया, किस डायरेक्शन में ड्रैग करना है, वाई एक्सिस अब डायरेक्शन में दिखा रहा है, वाई डायरेक्शन में हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं, इधर का पॉइंट लिफ्ट करना है तो इधर ये लाइन सिलेक्ट किया, ये दो लाइन की इंटरसेक्शन पर जो पॉइंट रहेगा उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। इसको भी वैल्यू वगैरह दी जा सकती है, कितने से लिफ्ट करना है वो पता है तो वैसा वैल्यू दिया जा सकता है, 0.5 तो उतना ही वो लिफ्ट हो जाएगा। तो वैसा थोड़ा कर्वेचर वगैरह देना है सरफेस को तो वैसा दिया जा सकता है। ये फ्री फॉर्म को मॉडिफाई करना यहाँ पर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट लिया, इसको फेस को लिफ्ट करके इसका शेप वगैरह चेंज किया जा सकता है। उसके लिए फ्री फॉर्म का इस्तेमाल होता है। बाद में अगला आता है प्लेनर सरफेस। अगर सरफेस बनाते वक्त किसी स्पेसिफिक एरिया में ही सरफेस बनाना है, बाकी के इसमें सरफेस नहीं बनाना, तो यहाँ पर प्लेनर सरफेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, नया पार्ट बनाया, तो यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लिया, यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, बाद में एक सर्कल बनाया, हेक्सागन बनाया, हेक्सागन बनाया, पॉलीगॉन लिया, कितने से 10-20 से एक्सट्रूड किया। यहाँ पर भी सरफेस वगैरह बनाना है नीचे, तो यहाँ पर भी सरफेस है, यहाँ पर टॉप लेंस है, यहाँ पर सिर्फ ये स्केच बना लिया, यहाँ पर ये सरफेस का यहाँ पर मुझे ये बीच का एरिया क्लोज नहीं रहना चाहिए, बाकी का क्लोज रहा तो भी चल जाएगा, ऐसा अगर चाहिए तो यहाँ पर प्लेनर सरफेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाउंडिंग एडिट इसके लिए ये चार ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया और बीच का इधर सरफेस नहीं क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पर बाउंडिंग एडिट इसके लिए ये रेक्टेंगल का चार एजेस सिलेक्ट किया, ये 1, 2, 3 और 4, तो इधर सरफेस तैयार नहीं होता है, बाकी जगह सरफेस तैयार किया जाएगा। तो वैसा यहाँ पर सरफेस तैयार होता है, तो सिर्फ इधर सरफेस नहीं तैयार होगा, बाकी जगह पर ये नहीं, बॉटम में सरफेस तैयार हो जाएगा, इसलिए प्लेनर सरफेस का इस्तेमाल किया जाता है।
किसी सरफेस से कुछ दूर पर सरफेस वगैरह बनाना है तो ऑफसेट सरफेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो ये सरफेस से लेके, तो ये कितनी दूरी पर बनाना है, 10 20 कितनी दूरी पर बनाना है, ऑफसेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लेफ्ट में बनाने से बेहतर है कि राइट में बनाने, तो वैसा डायरेक्शन रिवर्स यहाँ पर किया जा सकता है, कितनी दूरी पर वो सरफेस तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सरफेस फ्लैटन लिया, सरफेस फ्लैटन क्या करते हैं, समझो यहाँ पर आर्क वगैरह का शेप वगैरह बनाने बना लिया समझो, कर्वेचर वगैरह का सरफेस बना वगैरह बना इसको भी दोनों साइड में एक्सप्लोर कर लिया, मिड लाइन पर एक्सप्लोर कर लिया, 30 30 सेगमेंट किया। ये अगर फ्लैट, ये सरफेस अगर फ्लैट किया तो वो कैसा दिखेगा, वो अगर पहचानना है तो सरफेस फ्लैटन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरफेस फ्लैटन लिया, सिलेक्शन के लिए ये सरफेस सिलेक्ट किया, और कंट्रोल कर्व्स के लिए समझो यहाँ पर यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वर्टेक्स और पॉइंट ऑन इज टू फ्लैटन वर्टेक्स के लिए समझो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो ये सरफेस फ्लैट होके यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ये अगर फ्लैटनेस किया जाता है तो कैसा दिखेगा वो यहाँ पर समझ में आ सकता है। अगला है फिलेट, किसी पार्ट को फिलेट वगैरह देना है तो यहाँ पर फिलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर फिलेट का मान लिया, तो एज को फिलेट यहाँ पर दिया जा सकता है। फिलेट का रेडियस कितना रखा है, 5 का रखा, 5 का या 3 का रखा, ये इस सिलेक्ट है, तो यहाँ पर इस एज को फिलेट यहाँ पर दी जा सकती है। इस एज को यहाँ पर ये फ्लैटनेस सरफेस वगैरह यहाँ पर ऐड की जा सकती है, या फिर फिलेट वगैरह ऐड की जा सकती है, फिलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई फेस अगर डिलीट करना है यहाँ पर, कोई सरफेस बनाया हुआ है तो उसको डिलीट वगैरह करना है तो डिलीट फेस यहाँ पर लिया जा सकता है। डिलीट फेस डिलीट एंड पैच, ये फेस सिलेक्ट किया तो ये फेस यहाँ पर डिलीट किया जाएगा, तो ये फेस निकल जाएगा। यहाँ पर भी और एक ऑप्शन आता है, कंट्रोल विंग लेके एक पार्ट बना लिया, सिलेक्टेड प्लेन, प्लेन के लिए समय यहाँ पर टॉप प्लेन लिया, लिया 10 20 क्या एक्स 30 30 कर लिया। ये भी दोनों साइड से क्लोज करना है तो यहाँ पर प्लेनर सरफेस ऐड की जा सकती है। यहाँ पर प्लेनर सरफेस लिया, यहाँ पर ये तो ये प्लेनर सरफेस से जोड़ा जा सकता है। वैसे ही नीचे भी प्लेनर सरफेस या फिर फील्ड सरफेस से इसको जोड़ा जा सकता है।
बाद में ये इससे लग गया, हाँ, तो इसको जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर ये एक्सट्रूडेड सरफेस है, बाद में प्लेनर सरफेस ये है, और ये फील्ड सरफेस है। यहाँ पर तीन सरफेस बॉडी तैयार हो चुकी है। ये एक्सट्रूड वाला एक है, प्लेनर वाला एक है, और फील्ड सरफेस है। तो यहाँ पर डिलीट फेस, डिलीट फेस लिया जा सकता है। यहाँ पर डिलीट एंड पैच ऑप्शन है। यहाँ पर समझो ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट, दूसरा फेस लेते हैं, समझो ये फेस सिलेक्ट किया, और यहाँ पर ये तीनों तीनों फेस सिलेक्ट कर लिए। ऑल सराउंडिंग टू फेसेस, मतलब ये बाकी दो फेसेस भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर इसके सराउंडिंग टू फेसेस वो भी सिलेक्ट किया। डिलीट एंड फेस के लिए ये फेस सिलेक्ट किया, और ये सराउंडिंग टू फेसेस सिलेक्ट किया, तो बाकी दो फेसेस साइड के वो भी सिलेक्ट हो गए। ओके, यहाँ पर समझो ये फेस सिलेक्ट किया, और सराउंडिंग टू फेसेस लिया, डिलीट एंड फेसेस लिया, डिलीट एंड पैच लिया। यहाँ पर अभी डिलीट पैच लिया, यहाँ पर डिलीट एंड पैच लिया, समझो ये फेस रिमूव करना है। इसके साथ में साइड के फेस भी निकालने हैं, तो यहाँ पर ऑल सराउंडिंग फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर डिलीट फेस लिया, यहाँ पर डिलीट एंड पैच लिया ना, समझो ये फेस सिलेक्ट किया, और ये बाकी के दो फेस भी सिलेक्ट। तो ये डिलीट एंड फिल लिया, तो ये बीच का फेस, यस, ये तीनों फेस निकल जाते हैं, और यहाँ पर कर्वेचर तैयार हो जाता है। डिलीट एंड पैच का, डिलीट द फेसेस एंड रिप्लेस बाय एक्सटेंडिंग सराउंडिंग फेसेस, पैच की जरूरत नहीं। तो डिलीट एंड फिल से यहाँ पर ये तीनों फेस निकल जाएंगे, और वो कर्वेचर यहाँ पर तैयार हो जाएगा, उसके लिए डिलीट फेस लिया जा सकता है। कोई सरफेस रिप्लेस करना है तो रिप्लेस फेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर एक कंट्रोल नया पार्ट बना है, यहाँ पर एक्सट्रूड कर लिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल वगैरह बना लिया,
एक्सप्लोर किया। ये कितने से एक्सप्लोर करना है, 20-30 से एक्सप्लोर किया। ये क्लोज करना है तो कैप एंड ऑन रखा, तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर कैप एंड रखते हैं तो उसका अलग बॉडी तैयार नहीं होता है, अभी सिर्फ एक ही बॉडी तैयार हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रूड का ही बॉडी तैयार हो चुका है, समझो। यहाँ पर एक सरफेस बनानी है, यहाँ पर कमांड मैनेजर पे स्केल बटन पर क्लिक करके यहाँ पर फ्रंट प्लेन दिया, स्पेस बार दिया, नॉर्मल टू दिया, यहाँ पर एक सरफेस वगैरह बना, स्केल बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर फ्रंट प्लेन पर एक सरफेस, यहाँ पर फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया। यहाँ पर फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया और यहाँ पर स्प्लाइन से एक सरफेस बना लिया, कैसा शेप चाहिए वैसा सेलेक्ट किया। अभी इसको स्केच से बाहर निकला तो एग्जिट स्केच, अभी इसको एक्सट्रूड करना है तो यहाँ पर सरफेस में जाके यहाँ पर एक्सट्रूड किया गया, इस आर्क से रखे तो इसको एक्सट्रूड किया जा सकता है। लाइन लिया तो दोनों साइड में एक्सट्रूड हो जाएगा, लाइन दोनों साइड में सेम एक्सट्रूड करना है तो यहाँ पर मिडिल प्लेन लिया जा सकता है, 30-40-50 डेप्थ थोड़ा ज्यादा हुआ तो भी चल जाएगा। 110 से एक्सट्रूड किया, अभी ये सरफेस इस फेस पर अगर सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर रिप्लेस फेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर रिप्लेस फेस कमांड लिया, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टारगेट फेस फॉर रिप्लेसमेंट, कौन सा फेस रिप्लेस करना है, बाद में क्या पूछ रहा है, रिप्लेसमेंट सरफेस, कौन सा सरफेस रिप्लेस करना है, किस रिप्लेस करना है, ये सरफेस सेलेक्ट किया। तो ये सरफेस इधर तक एक्सट्रूड किया जाएगा, अभी ये सरफेस मुझे दिखना नहीं चाहिए ऐसा लगता है, तो ये सरफेस सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको हाइड कर लिया, तो ये सरफेस अभी हाइड हो जाएगा। तो ये सरफेस इधर तक एक्सट्रूड होता है और ये टॉप दूसरे सरफेस से वो रिप्लेस किया जाता है, बाद में दूसरा सरफेस हाइड करके रखा तो भी चल जाता है, वैसा हम फेस को रिप्लेस कर सकते। अगला है एक्सटेंड सरफेस, किसी सरफेस को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर ये सरफेस बनाया हुआ है, यहाँ पर एक्सटेंड सरफेस है, ये इस सिलेक्ट किया, तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह दिया जा सकता है, डिस्टेंस ऑप्शन दिया, डिस्टेंस डेप्थ कितने चाहिए वो यहाँ पर दिया जा सकता है, तो सरफेस एक्सटेंड किया जाएगा मतलब बढ़ाया जा सकता है। कोई सरफेस ट्रिम वगैरह करना है तो यहाँ पर ट्रिम सरफेस आप दे सकते हो, यहाँ पर कंट्रोल एंड जेड, ट्रिम वगैरह करना है, समझो दो तीन सरफेस बना लिए, यहाँ पर लाइन कमांड लेके बाद में एक सर्फेस यहाँ पर मिड प्लेन पर इसको एक्सट्रूड किया, 20-30 से 40-50 से एक्सट्रूड किया। अभी यहाँ पर कोई सरफेस अगर कट वगैरह करना है तो यहाँ पर ट्रिम सरफेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर ट्रिम टूल के लिए समझो ये सरफेस सेलेक्ट किया, कीप सिलेक्शन, कौन सा सरफेस जो सिलेक्ट करोगे वो रह जाता है, बाकी का कट होता है, नीचे वाला कट होएगा। यहाँ पर ट्रिम सरफेस लिया,
यहाँ पर प्रिंट टूल के समझो यहाँ पर म्यूचुअल में के तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रिमिंग सरफेस के लिए सिर्फ ये सरफेस रहेगा यहाँ पर कौन सा सरफेस रखना है समझो ये सरफेस रखना है ये सरफेस सिलेक्ट किया अभी की सिलेक्शन कौन सा सरफेस रखना है समझो इधर का सरफेस सिलेक्ट किया तो इधर का सरफेस निकल ये सरफेस रह जाता है ये साइड का निकल जाएगा तो वैसा कौन सा भी सरफेस आप ट्रिम कर सकते हो यहाँ पे और रख सकते म्यूचुअल से आपको किया जा सकता है दो या दो से ज्यादा सरफेस एक दूसरे पर और क्रॉस कर रहे तो कौन सा ट्रिम करना है कौन सा वैसे ही रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे ही अनट्रिम है पैचेस सरफेस होल्स और एक्सटर्नल एजेस बाय एक्सटेंडिंग द सरफेस यहाँ पर पिछला पार्ट लिया समझ विंडोज में से जाके आप पिछला जो भी पार्ट ओपन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर अनट्रिम सरफेस पैचेस सरफेस होल्स एंड एक्सटर्नल एजेस बाय एक्सटेंडिंग द सरफेस ये सिलेक्ट एक्सटेंड होते जाएगा जितना इसका लेंथ है उतना ही ऊपर भी एक्सटेंड हो जाएगा ये कनेक्ट एंड पॉइंट्स लिया यहाँ पर ये पॉइंट तक कनेक्ट करना सिलेक्ट सरफेस बॉडीज और एजेस ऑफ सरफेस अंतिम ऑप्शन यहाँ पर यहाँ पर ये सिर्फ हाइट वगैरह दी जा सकती एक्सटेंड एजेस ये सिर्फ एक्सटेंड किया जाएगा अंट्रिम में भी ज्यादा कुछ नहीं मर्ज विद ओरिजिनल ऑन रखा तो ये ओरिजिनल सरफेस से मर्ज हो जाता है तो ये ओरिजिनल सरफेस से मर्ज किया जाएगा अगला है ट्रिम्स नीट सरफेस नीट सरफेस इंपॉर्टेंट है नीट सरफेस में क्या होता है कि यहाँ पर सरफेस ज्वाइन किए हुए है यहाँ पर क्या हो रहा है कि समझो यहाँ पर नया लेते हैं फाइव में लेकिन नौ कमाएंगे बाद में इसको यहाँ पर इसके ऊपर ये एक्सट्रूड किया हुआ है इसके ऊपर प्लेनर सरफेस से प्लेन सरफेस बना गया ये सरफेस लिया ये सरफेस लिया ये सरफेस लिया ये सरफेस लिया यहाँ पर एक सरफेस तैयार होता है लेकिन उसका अलग बॉडी तैयार होता है क्योंकि ये इसके साथ मर्ज नहीं है वैसे ही नीचे सरफेस बना लिया यहाँ पर प्लेनर सरफेस ले लो या फिर फील्ड सरफेस ले लो ये इज लिया ये इज लिया ये इज लिया ये ज्वाइन हो गया अभी दिखते हो ये सब क्लोज लग रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका एक्सट्रूड का बॉडी अलग है प्लेनर सरफेस का बॉडी अलग है और फील्ड सरफेस का बॉडी अलग है इन तीनों का ये नॉर्मल
ज्वाइंट करके एक ही बॉडी रखना है, तो यहाँ पर नेट सरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेट सरफेस लिया, सिलेक्शन के लिए ये सरफेस सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड वाला प्लेनर सरफेस लिया और फिल सरफेस लिया, इधर से भी सिलेक्ट किया सकता है और ओके लिया, तो ये एक दूसरे को ज्वाइंट करके एक ही सरफेस तैयार हो जाएगा और एक ही बॉडी तैयार होती है। तो यहाँ पर फिलेट वगैरह दिया जा सकता है, जब तक नीट नहीं होगा तब तक कोई भी ऑपरेशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझो यहाँ पर से ये नीट सरफेस, ये रोल बैक बार ऊपर ड्रैग किया, अभी ये तीन बॉडीज है, अभी यहाँ पर फिलेट देने जाएंगे तो फिलेट तैयार नहीं होगा क्योंकि वो ज्वाइंट नहीं है। यहाँ पर फिलेट लिया, फिलेट सरफेस कितने का देना चाहिए, 3 4 कुछ दो भी देकर रखें, ये इस सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर फिलेट तैयार नहीं होगा। लैमिनर एजेस कैन नॉट बी फिलेटेड, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ज्वाइंट नहीं है सरफेसेस, वो ज्वाइंट करने के लिए नीट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी रोल बैक बार नीचे ट्रैक किया तो अभी ये वो ज्वाइंट हो चुके हैं, अभी यहाँ पर फिलेट दी जा सकती है। यहाँ पर फिलेट मान लिया, फिलेट रेडियस समझो 4 का रखा, ये इस सिलेक्ट किया, तो 4 का फिलेट यहाँ पर आप दे सकते हो, मतलब कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पर कमांड वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। अगला है थिकन सरफेस, किसी भी स्केच को थिकनेस वगैरह देना है तो थिकनेस वगैरह यहाँ पर दिया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये सरफेस एक्सट्रूड ही सिलेक्ट किया, इसको थिकनेस वगैरह देना है तो थिकनेस लिया जा सकता है। समझो यहाँ पर थिकनेस कितने का देना है, समझो 10 का देना है, सरफेस टू थिकन के लिए समझो ये सरफेस सिलेक्ट किया, तो ये सरफेस थिकन हो जाएगा। ये बाहर की तरफ चाहिए तो बाहर की तरफ रखा, दोनों साइड में चाहिए तो थिकन बोथ साइड से, तो जैसा बाहर होगा वैसा अंदर होगा, ओके दिया, तो सिर्फ बाहर की तरफ थिकनेस आ जाएगा, इस तरह से वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये भी दोनों साइड में चाहिए, जैसा जितना बाहर है उतना ही अंदर चाहिए, तो वैसा बोथ साइड से लिया तो अंदर भी थिकनेस आ जाएगा। सिर्फ अंदर ही चाहिए तो यहाँ पर इनसाइड लिया तो सिर्फ अंदर ही थिकनेस आ जाएगा। वैसा सरफेस को थिकन सॉलिड में आप थिकन वाला कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसको डिलीट किया, अभी यहाँ पर ये रोल बैक बार वापस ट्रैक किया, अभी ये इसका सेक्शन व्यू देखते हैं, थिकन सेक्शन व्यू लिया तो ये हॉलो है, सिर्फ इसका थिकनेस 0 है। अगर इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर अगर दोनों साइड में क्लोज ऑप्शन रहता है, ऊपर भी क्लोज है और नीचे भी क्लोज है, तो इसको पूरा सॉलिड बॉडी बनाया जा सकता है। यहाँ पर थिकन कमांड लिया, यहाँ पर सरफेस टू थिकन के लिए ये सरफेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर थिकन का ऑप्शन रहता है, साथ में और एक ऑप्शन आता है क्रिएट सॉलिड फ्रॉम इनक्लोज वॉल्यूम, तो ये सॉलिड बन जाता है, तो ये पूरा सरफेस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट किया जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी इसका सेक्शन लेके देखते हैं, तो ये अभी सॉलिड में कन्वर्ट हो, मतलब इसको सॉलिड में कन्वर्ट करने की वजह से क्या होता है कि इसको मटेरियल वगैरह दिया जा सकता है, या फिर इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर वेट वगैरह हम दे सकते हैं, और इसका क्या बोलते हैं, एनालिसिस भी किया जा सकता है सॉलिड पार्ट का, सरफेसेस का एनालिसिस नहीं किया जा सकता उसको, कुछ थिकनेस ही नहीं रहता है। बाद में यहाँ पर ये थिकन हो गया, थिकन इम्पोर्टेंट है, थिकन विथ थिकन कट, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, अगर थिकनेस से कट करना है, नीट सरफेस और थिकन ये इम्पोर्टेंट फीचर्स है, थिकन कट अगला आता है, थिकन कट समझो यहाँ पर थिकनेस से कट करना है, तो यहाँ पर एक्सट्रूड सरफेस लिया, ये सरफेस में ये फेस लिया और यहाँ पर एक लाइन वगैरह बना लिया, ये इसको
इसको एक्सट्रूड कर लिया नीचे तरफ, नीचे की तरफ दोनों साइड में एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पर लाइन की जगह मिड प्लेन रखा, कितने से एक्सट्रूड करना है समझो, 20-30 से एक्सट्रूड किया। इसको थिकनेस वगैरह देखे रखा समझो, यहाँ पर थिकन कर लिया। सरफेस सरफेस पूछते हैं, ये सरफेस से लेके तो ये थिकनेस से कट किया जाता है, 10 mm वो थिकनेस द्वारा कट किया जाता है। कौन सा बॉडी रखना है, ऑल बॉडीज लिया तो दोनों बॉडीज रह जाएंगी, राइट वाली भी रहेगी और लेफ्ट वाली भी रहेगी, तो दोनों बॉडीज यहाँ पर तैयार रहेगी। लेकिन यहाँ पर फिगर मैंने जो डिजाइन ट्री में दो बॉडीज दिखेंगे, पार्ट एक ही रहेगा लेकिन दो बॉडीज रहेंगी। वैसे सरफेस द्वारा कट करना है, ये फीचर टेम्परेली ये डिलीट कर दिया समझो, ये सरफेस यहाँ पर कट विथ सरफेस ऑप्शन दिया, सिलेक्टेड सरफेसेस फॉर कट, ये सरफेस सिलेक्ट किया। ये एक साइड का सरफेस से मतलब एक साइड का पार्ट का एक साइड यहाँ पर सरफेस द्वारा हम कट कर सकते हैं, बाद में ये सरफेस नहीं चाहिए तो यहाँ पर ये सरफेस हाइड किया जा सकता है, तो ये सरफेस नहीं दिखेगा। इस तरह से सरफेस द्वारा आप पार्ट को, सॉलिड पार्ट को कट वगैरह करना है तो वैसा किया जा सकता है। जैसा पार्ट डिजाइनिंग से आप कोई भी पार्ट बना सकते हो, वैसा सरफेस द्वारा भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो पार्ट डिजाइनिंग के कमांड्स है उसे एक पार्ट बना के दिखता हूँ, दिखा दूँ एक पर, थोड़ा आसानी लेते हैं समझो, ये पार्ट लेते हैं, ये पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं समझो। यहाँ पर फाइल में जाके न्यू कमांड ले, कंट्रोल न्यू पार्ट, यहाँ पर तीनों प्लेन पहला ऑन रखो, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन दिया। अभी ये फ्रंट व्यू है, जिसका लंबाई सबसे ज्यादा रहता है वो फ्रंट व्यू पकड़ा जाएगा, मतलब ये फ्रंट व्यू है, ये लेफ्ट व्यू है और ऊपर वाला टॉप व्यू है। तो कौन से व्यू से बनाना आसान लगता है समझो, फ्रंट प्लेन से बनाना आसान लगता है, तो फ्रंट प्लेन से एक्सट्रूड किया, यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक्सट्रूड कर लिया, कितने से 75/32 से एक्सट्रूड किया, यहाँ पर फ्रंट प्लेन से यहाँ पर कमांड लिया, ये प्लेन सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेंटर प्लेन चाहिए तो लिया, हाइट इसका 32 रखा और विड्थ 75 रखा और ये मिड प्लेन पर एक्सट्रूड कर लिया, इसे 50 से एक्सट्रूड कर लिया, मिड प्लेन पर ये भी दोनों साइड क्लोज करना है तो यहाँ पर कैप एंड ऑन रखा, दूसरे साइड में क्लोज हो रहा है पता नहीं, दोनों साइड से क्लोज हो रहा है। अभी यहाँ पर इसके फेस पर यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स बिठाना है, तो यहाँ पर एक्सट्रूड फेस लिया जा सकता है, एक्सट्रूड फेस लिया, ये फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो शेप दिया हुआ है वैसा बना लिया।
हाइट इसका कितना रखना है, 24 का रखना है, वेट इसका 24 का रखना है। ये कॉर्नर पॉइंट जोड़ दिया, वेट इसका 12 का रखना है, डेप्थ वगैरह देना है कितने से, अगर उल्टे साइड में डेप्थ देना है तो दूसरे साइड में दिया जा सकता है, कितने से शूट करना है, 24 से। ये भी करना है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक साइड में थ्रू हो जाएगा, अभी ये बीच का सरफेस मुझे ओपन करना है तो यहाँ पर कट सरफेस देखना पड़ेगा। ट्रिम सरफेस देखना ये सरफेस सिलेक्ट है और बाद में ये सरफेस सिलेक्ट है, और बाद में ये सरफेस लिया, यहाँ पर रिमूव सिलेक्शन ऑन रखा, कौन सा सरफेस निकालना है, ये सरफेस निकालना, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ट्रिमिंग टूल सरफेस लिया और रिमूव सिलेक्शन के लिए ये सरफेस सिलेक्ट, क्या पेंट ऑफ रहेगा, दोनों साइड से ज्वाइन करना है, ये ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब उधर से सरफेस तैयार हो गए, वही सरफेस इधर प्रोजेक्ट किया जा सकता है या फिर प्लेनर सरफेस से बनाया जा सकता है। प्लेनर सरफेस इसका लाइन सिलेक्ट किया, ये लिया, ये लिया, ये सिलेक्ट किया, तो ये ज्वाइंट किया जाएगा। यहाँ पर दो बॉडीज बॉडीज कौन सा, इसका सेक्शन देखो, यहाँ पर कैप एंड ऑफ रखना है, यहाँ पर सरफेस प्लेन
में रहे, ये स्केच में ही रहे, स्केच में एरर आ गया। तैयारी नहीं हो रही, नहीं तो 3D स्केच से बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्लेन पहले इधर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर स्केच बटन में 3D स्केच दे, ये प्लेन कौन सा है अभी, ZY/YZ प्लेन पर बनाना है तो टैब प्रेस किया, रफली स्केच बनाना। हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर ठीक है, समझ गया। वो मटेरियल ही निकालेगा ना, वो बीच में का जो सिलेक्ट हाँ करेंगे। ठीक बीच में से मटेरियल मटेरियल निकालना पड़ेगा, है ठीक है सर, समझ गया, ले समझ गया ना। जाएंगे। हाँ, ये हो गया ना अभी ये टॉपिक। ठीक है ठीक है। वैसा सॉलिड में ये सरफेस ट्रिम वगैरह करके पूरा बाद में नीट सरफेस करके ज्वाइंट करना पड़ता है, और बाद हाँ में हाँ ये सरफेसेस का ये थिकन कमांड लेके उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। अगर ये लास्ट था ना सर हाँ क्वेश्चन? लास्ट था ये टॉपिक, ओके ठीक है। या फिर YouTube भी कुछ वीडियोस मिल सकते हैं सरफेसेस के बारे में, या फिर ठीक है बेसिक आइडिया। ठीक है सर, ठीक अभी क्लोज करता हूँ, और ये ठीक तुम्हारा